हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आई क्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री की अपनी सीरीज का एक और नया सेशन, जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में जो भारत ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर था, तो भारत में सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। उसके अलावा भारत में पुलिस और जुडिशरी का डेवलपमेंट भी आज ही हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। So, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए एक न्यूज लेकर आया हूं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू एक लर्निंग एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल करवा रहा है आपको, जो कि आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है उसको टैप करने से मिल जाएगी। वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। उस एप्लीकेशन में सीएससी से रिलेटेड 1300 से प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके अलावा डेली के करंट अफेयर, डेली की जो है वो आपको अवेलेबल है, उस पर डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और सारा जितना भी जो भी चीज़ें जो है वो सीएससी के लिए चाहिए होती हैं, वो सब स्टूडेंट को उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट बाय टैपिंग ऑन दैट लिंक, राइट। सो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। सो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं थोड़े से बैकग्राउंड के साथ। सो सिविल सर्विसेज की बात करते हैं सबसे पहले। तो सिविल सर्विसेज को समझने के लिए पहले ये शब्द का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं क्या होता है, राइट। अगर आप सिविल सर्विसेज का अनुवाद देखेंगे हिंदी में तो उसका मतलब बनता है लोक सेवक, या सिविल सर्वेंट होगा लोक सेवक और सिविल सर्विसेज होंगी लोक सेवा। सो दैट मीन्स लोगों के कल्याण के लिए जो भी जिस भी जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो कोई किसी अधिकारी को नियुक्त करती है कि आपको लोगों के कल्याण या लोगों के हितों की रक्षा के लिए आपको कार्य करने हैं, उसको कहा जाएगा सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज कहा जाएगा, लोक सेवा उसके द्वारा किए गए कार्यों को। लेकिन लेकिन कॉलोनियल पीरियड की बात तो हम करेंगे ही, उससे पहले अगर मेडिवियल या उससे पहले अगर आप एंशिएंट पीरियड से लेते आए, तो जो जो भी मोनार्की थी या जो भी रूलिंग क्लास थी, उनके द्वारा अपॉइंटेड जो ऐसे व्यक्ति ऐसे या तो उनके द्वारा अपॉइंटेड होंगे या तो हेरिडिटरी होंगी पोस्ट प्रोविंशियल गवर्नेंस के लिए, उनको आप एक अब्रप्ट फॉर्म में सिविल सर्वेंट बोल सकते हैं। कि एक कोई भी प्रोविंस है या एक कोई भी पॉलिटिकल क्षेत्र है, उस पर शासन कौन, उस पर प्रशासन कौन चला रहा है, दो अलग अलग चीजें। उस पर शासन कौन कर रहा है और उस पर प्रशासन कौन चला रहा है। जो शासन कर रहा है, अगर आप मोनार्कियल सिस्टम को देखें, सरकार के गवर्नमेंट के मोनार्कियल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि राजा, राजा का बेटा, फिर जो है वो नेक्स्ट राजा बनेगा, फिर उसका बेटा नेक्स्ट राजा बनेगा, यानी कि एक रॉयल फैमिली है और जो शासक का टाइटल है वो उस रॉयल फैमिली के पास रहेगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो तो करते हैं प्रशासक। भले ही शासक भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है या करता था, लेकिन प्रशासकों की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। सो आज हमें मॉडर्न पीरियड के प्रशासकों को समझना है। मेडिवल पीरियड के प्रशासकों के बारे में मैं आपको मुगल पीरियड में मनसबदारी और सल्तनत पीरियड में इख्तेदारी सिस्टम समझाऊंगा, और उससे पहले राजपूत काल में किस तरह फ्यूडल जो छोटे छोटे राज्य बने और उसमें कैसे एक छोटे राज्य के शासक ने ही प्रशासक का काम किया, या उससे पहले जो बड़े एम्पायर्स थे, या हर्षे के एम्पायर की बात करेंगे, गुप्त के एम्पायर की बात करेंगे, उससे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, तो इन सारे बड़े एम्पायर्स में ना ही सिर्फ नॉर्थ इंडिया लेकिन साउथ इंडिया में सातवाहन, वक्टके, उसके अलावा चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सब के प्रशासनिक व्यवस्था की बात हम करेंगे। इनके प्रशासनों को, इनके प्रशासकों के नाम जो है वो हम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि उन पोस्ट को क्या कहा जाता था। लेकिन मॉडर्न पीरियड में एक प्रशासक की पोस्ट को, या अंग्रेजों के समय में कॉलोनियल पीरियड में एक प्रशासक की पोस्ट का नाम जो है वो सिविल सर्वेंट था, और उसके द्वारा किए गए कार्यों को सिविल सर्विसेज कहा गया, राइट। तो आज हमें सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट देखना है कॉलोनियल पीरियड में कैसा है। तो कॉलोनियल से जस्ट पहले एंशियंट पीरियड में, सॉरी नॉट एंशियंट बट मेडाइवल पीरियड में, मैंने आपको बताया सल्तनत काल में इख्तेदार थे, और फिर मुगल काल में हम समझने की कोशिश करेंगे
कि मुगल काल में कौन है, मनसबदार। तो ये इक्तेदारी थी, मनसबदारी थी, फिर जागीरदार आए, फिर जमींदार आए, राइट। उसके अलावा जो छोटे छोटे सामंत हैं, इन सब लोगों ने एज एन प्रशासनिक, यानी कि एक प्रशासनिक इकाई या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या एज एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो काम किया अलग अलग लेवल पे। तो वो मेडाइवल हिस्ट्री में हम समझेंगे ही, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखना है कि किस तरह ये जमींदार, कोतवाल, आमील, फौजदार, ये सब जो पोस्ट थी प्रशासकों की, या उससे पहले इक्तेदार थे, मनसबदार थे, ये सब जो पोस्ट थी प्रशासकों की, इनको डाइल्यूट करके कैसे अंग्रेजों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया। क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया है कि किस तरह 1773 के बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों ने किया और 1833 तक लगभग पूरे भारत में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश करी। और 1858 के बाद तो पूरा का पूरा भारत कॉलोनियल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर क्राउन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंग्रेजों पर, भारत पर एस्टेब्लिश हुआ। ब्रिटिश क्राउन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत पर एस्टेब्लिश हुआ। तो ये चेंज हमने समझ लिया है ऑलरेडी पिछले सेशंस में, राइट। अब हम देखेंगे उसमें सिविल सर्विसेज कहां पर जाके फिट होती है, आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज या मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है कॉर्नवालिस को, जो कि गवर्नर जनरल रहे 1786 से 93 तक, राइट। और इन्होंने पहली बार जो है वो, पहला पॉइंट देखिएगा, वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज, ही ट्राइड टू चेक करप्शन थ्रू, ये सारे पॉइंट्स हैं, राइट। लेकिन पहला पॉइंट क्या है कि ही ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विसेज, राइट। सिविल सर्विसेज पहले भी मौजूद थी, ठीक है। कॉर्नवालिस से पहले क्या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चल रही थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में? तो ऐसा नहीं है, कॉर्नवालिस से पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में भी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी। वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने भी प्रशासनिक व्यवस्था चलाई हुई थी, लेकिन कॉर्नवालिस को मॉडर्न सिविल सर्विसेज का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने ऑर्गेनाइज किया अंग्रेजों के हिसाब से। मैंने बोला ना 73 से 1853 सेंट्रलाइजेशन का फेज है, तो कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज को सेंट्रलाइज किया अकॉर्डिंग टू, किसके सेट करना शुरू किया, अकॉर्डिंग टू क्राउन की नीड जो है वो भारत में कैसी है। मैंने आपको बताया ना ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच थी पिछले सेशन में, बताया मैंने आपको ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच है किसकी, वॉरेन हेस्टिंग्स की। और कॉर्नवालिस जो है वो थोड़ा सा इंपीरियलिस्टिक ज्यादा है, ओरिएंटलिस्ट कम है, तो वो सिविल सर्विसेज पर थोड़ा जोर डालना उसने शुरू किया, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना यह था कि भारतीयों के जो बहुत जल्दी हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हमें अभी प्रशासनिक व्यवस्था भारतीयों के हिसाब से चलानी चाहिए। और मैंने आपको बताया था किस तरह ये जो ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच है ये बोलने में भारतीयों के फ्रेंडली लगती है, लेकिन उन्होंने किस तरह भारतीय समाज को बांटने का ही काम किया इन ऑल, राइट। सो कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है कि उसने क्या किया, ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइज द सिविल सर्विस, उसने ऑर्गेनाइज करने का काम किया। कैसे किया, बाय रेजिंग द सिविल सर्वेंट सैलरी। अब जो सिविल सर्वेंट हैं, अंग्रेजी जो अफसर हैं, वो भारतीयों से गिफ्ट ना लें, भारतीयों से रिश्वत ना लें, तो उसका बिल्कुल सिंपल उपाय ये है कि उनकी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। तो उसने सबसे पहला काम तो सैलरी बढ़ाई, उसके बाद स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड मैंने आपको बहुत जो है वो पिछले सेशंस में समझाया है प्राइवेट ट्रेड क्या है, तो प्राइवेट ट्रेड पे स्ट्रिक्ट जो है वो प्रोहिबिशन लगवाया उसने। उसके बाद डिबारिंग सिविल सर्वेंट फ्रॉम टेकिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स, रिश्वत लेना जो है वो बंद करवा दिया, और नॉट जस्ट रिश्वत लेकिन प्रेजेंट्स लेना भी बंद करवा दिया सिविल सर्वेंट्स का। उसके अलावा इन्फोर्सिंग प्रमोशंस थ्रू सीनियोरिटी, प्रमोशंस जो है वो सीनियोरिटी के बेसिस पर। अब ये सीनियोरिटी क्या होता है, बेसिक सी बात है, मान लीजिए मैं और आप दो सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, मेरी उम्र आपसे 5-7 साल बड़ी है, तो ऑन दैट बेसिस मुझे जो है वो पहले प्रमोशन मिलेगी आपसे, राइट। दैट इज प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। नाउ इसके बाद लॉर्ड वेलेसली का क्या रोल रहा सिविल सर्विसेज के डेवलपमेंट में, तो आप देखिएगा इन 1800 वेलेसली गवर्नर जनरल रहे वो 1798 से 1805 तक, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट करी। जो फोर्ट विलियम फैक्ट्री है बंगाल प्रेसिडेंसी में, या कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम फैक्ट्री है, या जो पहले फैक्ट्री थी, पहले व्यापारी कोठी थी, फिर वो धीरे धीरे जो है वो रेजिडेंसी के रूप में बदली, और फिर वो एक प्रेसिडेंसी के रूप में बदली। तो जो फोर्ट विलियम
फैक्ट्री जहाँ पर थी वहाँ पर उन्होंने कॉलेज एस्टेब्लिश किया एक, और उस कॉलेज में उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट, जो रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स है उनकी ट्रेनिंग की वहाँ पर ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर सेटअप तैयार किया। लेकिन 1806 में वेलेस्लीज कॉलेज वॉज डिसअप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंस्टेड द ईस्ट इंडिया कॉलेज वॉज सेटअप एट हेलीजबरी इन इंग्लैंड टू इम्पार्ट 2 years ट्रेनिंग टू द रिक्रूट्स। राइट, जो नए नए सिविल सर्वेंट रिक्रूट होते हैं उनकी ट्रेनिंग अब हेलीजबरी कहाँ होने लगी, लंदन में। भारत में ट्रेनिंग हो ऐसा गवारा नहीं रहा उन्हें, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही तैयार किया जाता है मेंटली किसी सिविल सर्वेंट को कि उनको जाकर कैसा काम करना है। राइट, सो ट्रेनिंग अगर भारत में रहेगी तो अंग्रेजों को या बोर्ड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उन डायरेक्टर्स से, मैंने पिछले सेशन में आपको समझाया है कि व्हाट आर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, किस तरह जो प्रोप्राइटर्स हैं वो अपने में से मेंबर्स जो हैं वो चूज करते हैं। राइट, प्रोप्राइटर्स एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर उसमें से मेंबर्स जो हैं वो चूज किए जाते हैं किसके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कि कंपनी और क्राउन के हित में काम करता है। तो कंपनी और क्राउन के हित में क्या था, बहुत सिंपल सी बात थी कि भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अंग्रेजों के कहने पर चले, क्योंकि उनके पास शक्ति होगी और अगर वो भारतीयों को, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल भारतीयों का ऑपरेशन ना करके अगर भारतीयों को मुख्य धारा में जोड़ने में करने लग जाएं तो उसमें अंग्रेजों का फायदा नहीं है। राइट, इसीलिए अंग्रेजों ने सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग लंदन में करवाई और वेलेस्ली का ये फैसला जो है वो पलट गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ऐसा क्या मेंशन्ड था जिससे सिविल सर्विसेज में बदलाव आया। सो द 1853 चार्टर एक्ट एंडेड द कंपनीज पैट्रनेज इंजॉइंग रिक्रूटमेंट टू बी थ्रू एन ओपन कंपटीशन हैंस फोर्थ। 1853 के चार्टर से पहले जितने भी सिविल सर्वेंट अपॉइंट किए जाते थे भारत में, कंपनी अपनी तरफ से अपॉइंट करती थी। हो सकता है कि कोई लॉर्ड है, कोई अर्ल है, कोई बड़ा लैंड लॉर्ड है यूएस, नॉट यूएस बट इंग्लैंड का, उसको और उसके लड़के को फिर उसके बाद अपॉइंट कर रहे हैं, यानी कि वहां पर क्या हेरिडिटरी हो सकती थी पोस्ट। राइट, और वो किसके कौन डिसाइड करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि क्राउन किस तरह शक्ति जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर अपने हाथों में ले रही थी, और उसी चीज का एक्ट था ये कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो इंजॉय कर रही थी अभी तक कि सारा के सारे सिविल सर्वेंट वो अपॉइंट करे, उनसे हटाकर अब एक ओपन प्रतियोगिता रखवा दी गई लंदन में जिसमें कोई भी यूरोपीय पार्टिसिपेट कर सकता था। थियोरेटिकली तो भारत भी कर सकते थे लेकिन उनके लिए अभी मुमकिन नहीं था, एज बहुत कम थी, सिलेबस बहुत भारतीयों की पकड़ से बाहर का था। लेकिन उस ओपन प्रतियोगिता में यूरोपियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पैटर्नेज यहाँ पर हमें खत्म होती दिखी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 ओपन, ध्यान रखना है क्या है यहाँ पर, ओपन कंपटीशन किसका, सिविल सर्विसेज का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपन कंपटीशन का मतलब क्या है कि पहले जो अपॉइंटमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी अब वो एग्जामिनेशन के माध्यम से होगी अपॉइंटमेंट। ठीक है, समझे होंगे आप ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। द इंडियंस हाउएवर वर बार्ड फ्रॉम हाई पोस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कॉर्नवालिस थॉट एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। कॉर्नवालिस का ये मानना था कि भारतीय हर भारतीय जो है वो करप्ट है, इनकैपेबल हैं, इनएफिशिएंट हैं, और भारतीय जो है वो सबसे पहली बात कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अंग्रेजों के हितों के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए भारतीयों को रिक्रूट करना ही नहीं सिविल सर्विसेज में, और अगर आप भारतीयों को सबॉर्डिनेट ऑफिस दे भी रहे हो तो बिल्कुल निचले दर्जे के दो जिससे हमारी समस्या, हमें कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या लिखा है, देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हैड रिजर्व्ड ऑल पोस्ट वर्थ 500 पाउंड्स पर एनम फॉर द कोवेनेंटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, या इस तरह बोला जाए जो ब्रिटिश सर्वेंट्स हैं या जो यूरोपियन सर्वेंट्स हैं केवल उनको ही मिल सकती थी 500 पाउंड्स और उससे ऊपर की नौकरियां, ऐसा चार्टर एक्ट 1793 में लिखा है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, रीजंस फॉर एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस, अंग्रेजों ने क्या क्या रीजन दिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द बिलीफ दैट ओनली द इंग्लिश कुड एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए केवल केवल अंग्रेज ही काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, द बिलीफ दैट द इंडियंस वर इनकैपेबल अनट्रस्टवर्दी एंड इनसेंसिटिव टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही। उसके बाद
द फैक्ट देर वॉज हाई कंपिटिशन अमंग द यूरोपियंस themselves फॉर lucrative पोस्ट, सो वाई ऑफर them टू इंडियंस. सिंपल सी बात है कि जितनी पोस्ट वो निकालते हैं, मान लीजिए अगर एक या दो साल में उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट निकाली, उस पर ज्यादा से ज्यादा तो यूरोपियंस या उसके अलावा ब्रिटिशर्स ही तैयार हैं, तो भारतीयों को क्यों ऑफर किया जाए. ठीक है, ये मामला भी बनता है. अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 में एक पॉइंट जो है वो ऐड कर लेते हैं बीच में. चार्टर एक्ट 1833 थ्योरेटिकली थ्रू ओपन सर्विसेज टू द इंडियंस द रेलेवेंट प्रोविजंस वर नेवर रियली इंप्लीमेंटेड. ठीक है, वैसे तो चार्टर एक्ट 1833 में ओपन सिविल सर्विसेज के लिए बोला गया था, लेकिन उस पर लागू नहीं किया गया. मैंने चार्टर एक्ट 1833 जब आपको करवाया था उसमें मैंने ये चीजें मेंशन करी हैं, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप उस लेक्चर से भी जोड़कर देखिएगा. और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, मेरे नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, सारी वीडियोज आप वहां पर देखेंगे, आप पूरी की पूरी कहानी को कनेक्ट करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861. ठीक है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद की क्या घटनाएं देखते हैं. द एक्ट रिजर्व्ड सर्टेन ऑफिसेस फॉर कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स, बट द एग्जामिनेशन विच हेल्ड इन इंग्लैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन क्लासिकल लर्निंग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन. अब देखिए यहां पर क्या है, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 में वैसे तो भारतीयों के लिए ओपन जो है वो ओपन प्रतियोगिता कर दी और भारतीय पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ पोस्ट जो है वो इस बार 1861 के सिविल सर्विस एक्ट में जो है वो भारतीयों के लिए ओपन की गई. और लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो पहली बात तो है इंग्लैंड में, और दूसरी बात उसमें ग्रीक और लैटिन भाषा जो है वो उसमें एग्जामिनेशन देना पड़ता है. तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर ग्रीक और लैटिन भाषा में एग्जामिनेशन, ग्रीक और लैटिन भाषा की स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए एग्जामिनेशन देने के लिए, सो दैट मींस आप नहीं कर सकते, भारतीय नहीं कर पाएंगे. भारतीय ज़्यादा ज़्यादा अंग्रेजी सीख लेंगे, लेकिन ग्रीक और लैटिन कैसे सीखेंगे, और अगर सीख भी गए तो उनको समय लगेगा एज कम्पेयर टू अंग्रेज, और उन्होंने एज लिमिट रखी हुई है कम, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बन जाता है भारतीयों के लिए. ठीक है, बट स्टिल भारतीयों ने एग्जामिनेशन क्लियर किया. द मैक्सिमम परमिसिबल एज वॉज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, देख रहे हैं आप 1859 में 23 थी, ठीक है, उसके बाद 22 कर दी गई 1860 में, 21 कर दी गई 1866 में, और फिर 19 कर दी गई 1878 लिटन के टाइम पे. ठीक है, फिर रिपन ने बाद में बढ़ा दी थी, 21 कर दी थी. ठीक है, 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज. ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. उसके बाद देखते हैं स्टैचुटरी सिविल सर्विसेज क्या है. 1878 से 79 में लिटन, याद रखेंगे, वैसे तो मैं आपको गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के बारे में एक अलग से सेशन लूंगा, उसमें मैं समझाऊंगा कि हर एक वॉइसरॉय ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लिटन टू रिपन आपको जो है वो कुछ एक ट्रेंड देखने पड़े, कुछ एक बीच में फेमस है. ठीक है, लाइक वॉरन हेस्टिंग्स है, वेलेसली है, फिर उसके बाद हेस्टिंग्स आएगा, ठीक है, और कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी, ठीक है, ये कुछ फेमस हैं बीच बीच में, लिटन, रिपन, राइट, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं इतिहास में नाम दर्ज हो गया इनका. ठीक है, कर्जन है, ये सब जो वॉइसरॉय जो गवर्नर जनरल हैं इनके बारे में हमें जानना है. उनमें से ही लिट्टन है एक जिन्होंने सारे काम जो है वो बहुत नोटोरियस रहे, उनने ऐसे एक्शंस लिए भारतीयों का बहुत नुकसान हुआ, और उसके बाद जो रिपन आए उन्होंने रिलेशंस रिपेयर करने की बहुत कोशिश करी. तो मैं आपको समझाऊंगा, ये आगे आने वाला एक टॉपिक है जिसमें अलग अलग गवर्नर जनरल्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. बट इन दिस पॉइंट सी, इन 1878-79 लिटन इंट्रोड्यूस द स्टैचुटरी सिविल सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिक्स्थ ऑफ कोवेनेंटेड पोस्ट टू बी फिल्ड बाय इंडियंस ऑफ हाई फैमिलीज थ्रू नॉमिनेशंस बाय लोकल गवर्नमेंट्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वॉइसराय. तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि 1/6 पोस्ट जो है वो भारतीयों की होंगी, लेकिन हाई फैमिलीज भारतीय. ठीक है, यानी कि जो रूलिंग क्लास है या जो एलीट क्लास है इंडिया की, वहां से होंगे, और जो नॉमिनेशंस होंगी उनको बाद में जो है वो रेटिफाई कौन करेगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ठीक है, लेकिन ये सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दिया गया, कभी भी लागू नहीं हुआ. तो ध्यान रखेंगे आप लॉर्ड लिट्टन का स्टैचुटरी सिविल सर्विसेज.
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कांग्रेस डिमांड एंड एचिसन कमेटी। 1885 में डफरिन, लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, और कांग्रेस ने एस्टेब्लिश होते ही सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, वैसे कांग्रेस कैसे एस्टेब्लिश हुई है, कांग्रेस से पहले की पॉलिटिकल एंटिटीज कौन कौन सी थी, ये मैं आपको कराऊंगा किस टॉपिक में, कि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज है उसके रिएक्शन में भारतीयों ने क्या क्या किया। ठीक है, तो रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआती अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ पीजेंट मूवमेंट कैसे हुए, ट्राइबल मूवमेंट्स कैसे हुए, फिर रिवॉल्ट तो मैंने आपको करा ही दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मध्यम वर्ग का डेवलपमेंट हुआ उसने कैसे जो है वो पॉलिटिकल जागृति की तरफ कदम रखा, और छोटे छोटे पूरे इंडिया में हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते दिखे, और फिर उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ऑल इंडिया मंच पर आकर अपने आप को एक कांग्रेस का दर्जा दिया, और कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, और उस कांग्रेस ने कैसे अंग्रेजी सरकार से मांग रखी कि सिविल सर्विसेज में चेंजेस लाए जाएं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो वो मांगे क्या क्या थी। तो सबसे पहला देखिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस रेज द डिमांड आफ्टर इट वॉज सेटअप इन 1885 फॉर लोअरिंग द एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट। एज लिमिट जो है वो कम की जाए। अब यहां पर लोअरिंग द एज लिमिट का मतलब क्या है, बेसिकली कम नहीं करना, बढ़ाए जाना। यानी कि पहले क्या था कि केवल 21 वर्षीय व्यक्ति जो है वो सिविल सर्वेंट बन सकता है, लेकिन अगर किसी भारतीय को सिविल सर्वेंट बनना है तो उसे हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि वो एज कंपेयर टू अंग्रेज रिसोर्सेज उसके पास कम है, और या कुछ समय के बाद उसके पास रिसोर्सेज पहुंचते हैं। ठीक है, कुछ इसी फंडामेंटल पे भारत में रिजर्वेशन भी बांटा गया है, सोच के देखिएगा आगे। वैसे रिजर्वेशन वाले टॉपिक पर भी बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, बट यहां पर जो रिक्रूटमेंट की एज है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। होल्डिंग द एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ब्रिटेन। दूसरी चीज ये कि एग्जामिनेशन लंदन में हो रहा है सिविल सर्विसेज का, भारत में नहीं हो रहा है, भारत में भी करवाया जाए। दूसरा पॉइंट ये भी था उनका। इस पर इन्हीं डिमांड को कंसीडर करते हुए द एचिसन कमिटी ऑन पब्लिक सर्विस 1886 में बैठी, जो कि सेटअप की गई उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा, और उसने रेकमेंड किया कि टर्म कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड जो है वो हटा दिए जाएं। राइट, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड सर्विसेज जो टर्म 1775 से ही लेकिन 1757 से ही सुनने में आ गई थी, प्लासिक लड़ाई के बाद ही सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट टर्म जो है वो आ गई थी उसी समय से सुनने में। ठीक है, उन टर्म्स को हटा दिया गया और उसकी जगह सिविल सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की गई तीन क्लासेस में। सबसे पहला तो इंपीरियल या इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका एग्जामिनेशन इंग्लैंड में होता था, जिसके सिनोनिमस आप मान सकते हैं प्रेजेंट डे आईएएस। राइट, प्रेजेंट डे जो आईएएस है वो उस समय का इंपीरियल सिविल सर्वेंट था। ठीक है, जिसका एग्जामिनेशन इंग्लैंड में होता है। दूसरा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जो कि प्रेजेंट डे आपके राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट होते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए अगर मैं हिमालय से हूं तो मैं हिमाचल से हूं तो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अगर कोई हरियाणा से तो हरियाणा सिविल सर्विसेज, पंजाब सिविल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज। राइट, तो इस ये जो सर्विसेज हैं ये क्या है, राज्य स्पेसिफिक हैं। उस समय अंग्रेजों के प्रोविंसेस थे, तो जो प्रोविंशियल लेवल पर एग्जामिनेशन हुआ करता था वो भारत में होगा। और तीसरा सबॉर्डिनेट लेवल के जो एसएससी करवाते हैं, प्रेजेंट डे सिनोनिमस दिखाऊं तो सबॉर्डिनेट लेवल के एग्जामिनेशन जो प्रेजेंट डे एसएससी करवाता है, ठीक है, वो सबॉर्डिनेट लेवल का एग्जामिनेशन हो गया, वो भी भारत में ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन हिस्से में कब बटा है, एचिसन कमेटी की रिपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट को बढ़ा दिया गया, 23 कर दिया गया, 21 से बढ़ाकर। ठीक है, इन 1893 द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड पास अ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड, बट द रेजोल्यूशन वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड। 1893 में, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि कब ब्रिटिश कैबिनेट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिसमें भारत में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो सके, लेकिन वो जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो 1893 वॉज द ईयर। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का नाम है किम्बरले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसने कहा कि इट इज इंडिस्पेंसेबल दैट एन एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज शेल ऑलवेज बी यूरोपियंस। तो ये अंग्रेजों का मत था
कि सिविल सर्विसेज में भारतीय होने चाहिए। अगर सिविल सर्विसेज सॉरी भारतीय नहीं, सिविल सर्विसेज में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूरोपियंस की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीयों की हुई तो वो अपने हिसाब से काम करने लग जाएंगे और ये तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन फिर इंडियंस की तरफ टिल्ट हो जाएगा ना। अंग्रेजों को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ जो है वो झुका के रखना है, राइट, भारतीयों से दूर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में। सबसे पहला पॉइंट है स्टेटेड अ रियलिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में सबसे पहली एक रियलिस्टिक पॉलिसी आई, देखिए क्या है। इफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, द मोर इंडियंस वी कैन एम्प्लॉय इन पब्लिक सर्विस द बेटर। सेकेंड पॉइंट, रेकमेंडेड होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड इंग्लैंड। थर्ड पॉइंट, रेकमेंडेड दैट 1/3 ऑफ रिक्रूटमेंट्स बी मेड इन इंडिया इटसेल्फ टू बी रेज्ड एनुअली बाय 1.5%। अब यहां पर मैं आपको मॉन्टेगू की डेक्लेरेशन 1917 जो है वो याद दिलाना चाहूंगा। मैंने आपको बोला था उस डेक्लेरेशन में मॉन्टेगू ने क्या कहा था कि हम भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए, जिसमें यह बात ऐड की गई कि अगर भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है आपको तो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हुए 1/3 भारतीयों को अपॉइंट करना है आपको सिविल सर्विसेज में, और हर साल आपको 1.5% बढ़ाते जाना है जब तक मैक्सिमम 50% से ऊपर जो है वो भारतीय ना हो जाए, तभी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम भारत में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज स्टेटेड एज अ रियलिस्टिक पॉलिसी, और आप देख सकते हैं कि क्यों रियलिस्टिक है, कैसे रियलिस्टिक है, राइट। और उसके अलावा भारत में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, केवल इंग्लैंड में ही ना हो, यह पॉइंट भी ऐड किया गया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसके बाद ली कमीशन आया 1924 में। द ली कमीशन रेकमेंडेड क्या क्या रेकमेंड किया इसने, देखिएगा, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट शुड कंटिन्यू टू रिक्रूट द ICS, the irrigation branch of the service of engineers, the Indian Forest Services। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए बात, जो secretary of the state है ना, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है ICS का एग्जामिनेशन। उस ICS के एग्जामिनेशन को फाइनली रिक्रूट कौन कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रिक्रूट करके भारत भेज रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि और वो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो किसी और के लिए भी रिक्रूट कर रहा है। मैंने आपको बोला ना, जो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो केवल भारत के लिए ना होकर बर्मा, भारत और ईडन तीनों के लिए, उसके अलावा जो उनकी जो अंग्रेजों की साउथ अफ्रीका की जो कॉलोनी थी या अफ्रीकन अन्य कॉलोनीज थी उसके लिए अलग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा की कॉलोनीज के लिए अलग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। ठीक है, तो यहां पर मतलब ये बनता है कि भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ICS अपॉइंट करेगा। उसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं इंजीनियर, इरिगेशन ब्रांच ऑफ द सर्विस ऑफ इंजीनियर्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन तीनों को कौन अपॉइंट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। द रिक्रूटमेंट फॉर द ट्रांसफर्ड फील्ड लाइक एजुकेशन एंड सिविल मेडिकल सर्विसेज बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ICS ऑन द बेसिस ऑफ 50-50 पैरिटी बिटवीन द यूरोपियंस एंड द इंडियंस बी रीच्ड इन 15 years। सो मैंने आपको बताया ना, डायरकियल सिस्टम 1919 में एस्टेब्लिश हुआ प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस को कुछ मैटर्स जो है वो दिए गए जो कि ट्रांसफर्ड मैटर्स थे, उसमें सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट भी, या जो प्रोविंशियल लेवल पर जो सिविल सर्विसेज हैं, राइट, मैंने आपको बताया ना जो प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट को दिया गया किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को हक दिया गया कि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक और यहां पर फैसला लिया गया, और देखिए किस किस तरह की एजुकेशन, सिविल मेडिकल सर्विसेज जो है इनसे जुड़े जो सिविल सर्वेंट हैं, प्रोविंसेस को बोला गया कि आप कर सकते हैं यहां पर रिक्रूटमेंट। ठीक है, और अगले 15 साल का गोल क्या बनाया गया कि 50-50% लेकर आनी है हमें रेशो, किसके बीच में, भारतीय सिविल सर्वेंट और यूरोपियन सिविल सर्वेंट में। नेक्स्ट चीज, अ पब्लिक सर्विस कमीशन भी इमीडिएटली एस्टेब्लिश्ड एज लेड डाउन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब उसके बाद
ली कमीशन 1924 के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कब हुआ, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि 1924 के बाद या 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद एक पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है। ठीक है, यू कैन आंसर दैट इन कमेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, राइट, The 1935 Act recommended the establishment of Federal Public Service Commission and Provincial Public Service Commission under their spheres. अब मैंने आपको बताया ना, डायरकियल सिस्टम आया 1919 में, 1935 से आया फेडरल सिस्टम। सो फेडरल सिस्टम केवल लेजिस्लेशन के लिए ना होकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी था, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स के रिक्रूटमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्थापित करने जरूरी है, इसीलिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन कब आए हैं, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद। ध्यान रखिएगा, बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, बट द पोजिशन ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी रिमेन्ड इन ब्रिटिश हैंड्स एंड द प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विस डिड नॉट पुट इफेक्टिव पॉलिटिकल पावर इन इंडियन हैंड्स सिंस द इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एक्टेड एज एजेंट्स ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, अब यहां पर आपको सुनने में अभी तक क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप धीरे धीरे, पहले केवल एक तिहाई था, फिर 50% तक रीच करने की जो है वो बात कही गई। ठीक है, इससे ये लगता है कि इंडियनाइजेशन हो जाएगा सिविल सर्विसेज का, राइट, भारतीयों के हाथ में आ जाएंगी सिविल सर्विसेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सिविल सर्वेंट बने वो सिविल सर्वेंट क्या करा उन सिविल सर्वेंट्स ने, उन सिविल सर्वेंट्स ने अंग्रेजों की लॉयलिटी, अंग्रेजों को अपनी लॉयलिटी दी, दे रिमेन द लॉयलिस्ट टू ब्रिटिशर्स, और उन्होंने अंग्रेजों के कहने पर ही काम किया, क्योंकि वो अंग्रेजों के मुलाजिम हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे अंग्रेजों के कहने पर तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनको पता था कि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा सिविल सर्विसेज में जैसा मैं काम करना चाहता हूं, इसलिए ही लेफ्ट द सिविल सर्विसेज। इनफैक्ट आज तक भी ये बात रिकॉर्डेड है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जितने मार्क्स स्कोर किए थे सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में, उतना उस प्रोपोर्शन में मार्क्स आज तक कोई और स्कोर नहीं कर पाया है। ठीक है, इतना जबरदस्त इंप्रेस किया था उन्होंने रिक्रूटर्स को, ठीक है, या इंटरव्यू का जो पैनल था उन लोगों को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इवैल्यूएशन करते हैं सिविल सर्विसेज का। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंदर जो सिविल सर्विसेज रही उसका इवैल्यूएशन करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, इंडियंस वर सिस्टमैटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम लॉ, ठीक है, एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। मैंने आपको बताया ना, जो पॉलिटिकल अधिकरण किया है उससे क्या हो रहा है, जो पॉलिसी और लॉ बनाने का काम जो है कि कौन करता था पहले, राजा और उसकी काउंसिल्स, राइट, सुल्तान या नवाब और उसकी काउंसिल करती थी ना ये काम। ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस में या मनसब में या इख्तों में, ठीक है, मेडाइवल पीरियड में। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन सबको हराया और सारी जो है वो इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग की जो पावर है वो अपने हाथ में ले ली। सो लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से तो भारतीयों को वंचित किया ही, उसके बाद देवर मोस्टली केप्ट आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। पहले तो पॉलिसी मेकिंग से हटाया, अब यहां पर आपको समझना है डिफरेंस पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, लेजिस्लेशन क्या करता है, पॉलिसी बनाने का काम, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने का काम। ठीक है, भारत में लेजिस्लेशन, समझ रहे हैं आप, भारत में तीन है ना पॉलिटी का हिस्सा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेशन का काम क्या होता है, पॉलिसी बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम ध्यान रखना कि पॉलिसी इंप्लीमेंट ठीक से हो और पॉलिसी बने भी ठीक से। ठीक है, वो एक चेक करने का, एक चेक करने की शक्ति होती है किसके पास, जुडिशरी के पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने पॉलिटी को, इस तीन बेसिक ढंग से जो है वो ध्यान रखना है, राइट। सो भारत से पहले तो पॉलिसी मेकिंग से भी एक्सक्लूड किया गया, फिर एग्जीक्यूशन से भी, यानी एग्जीक्यूटिव जो हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे भी भारतीयों को वंचित रखा गया। द एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर द ICS वॉज हेल्ड इन लंडन इन इंग्लिश मीडियम ओनली एंड द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लर्निंग। तो इतने मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट, भारतीयों को अंग्रेजी आज तक पढ़ने में दिक्कत होती है, आप खुद देखिए। ठीक है, भारतीयों को अंग्रेजी आज तक पढ़ने में दिक्कत होती है, तो ग्रीक और लैटिन कैसे पढ़ेंगे वो, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी भारतीयों के लिए। प्लस एग्जामिनेशन जो है वो लंदन में हो रहा है, तो जो भारत का टैलेंट भी है
वो एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। प्लस दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, भारत में जो सिस्टम है वो टैलेंट जो है वो अपने आप को बढ़ा देता है। हमने देखा हैदर अली केवल एक फौजी था, किस तरह वो शक्ति पर पहुंचा। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, सुल्तान बना। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शासक हैं, और राजपूतों में भी बहुत सारे ऐसे शासक हैं जो कि मियर बिल्कुल छोटी रैंक से उभरते हुए बड़ी बड़ी रैंक्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, शासक बने हैं और मतलब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स बने हैं। किस किस बेसिस पर? अपनी कुशलता के बेसिस पर। लेकिन भारतीयों को अपनी कुशलता दिखाने का मौका ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी पोस्ट पे कभी आने ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी चाल थी कि भारतीयों को वंचित रखा जाए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा, द मैक्सिमम एज फॉर अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 23 इन 1859 टू 19 इन 1878 अंडर लिटन। ठीक है, तो एक ये बात भी है, जो एज है एक सिविल सर्वेंट बनने की, उसको कम कर दे रहे हैं। वो 19 साल का भारतीय सिविल सर्वेंट कैसे बन जाएगा जो भारतीय है, राइट? अगर वो लंदन जाकर भी पेपर दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको ग्रीक और लैटिन, यानी कि एक एक व्यक्ति ग्रीक और लैटिन कब समझेगा, या अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट कब होगा? जब वो अंग्रेजी माहौल में पला बड़ा हो, चाहे वो अंग्रेज हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजी माहौल में पला बड़ा हो, राइट? तभी वो कन्वर्जेंट हो जाएगा ना जल्दी से, लाइक अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। लेकिन एक भारतीय जो भारतीय माहौल में रहा हो, उसको वो स्टेज, वो मेंटल स्टेप, वो मेंटल जो स्थिति है कि जिसमें वो उन भाषाओं को अच्छे से समझ ले, उसको आने में थोड़े साल लग जाएंगे। और अगर आप लोअर जो एज है, अगर उसको आप नीचे कर दोगे, तो बच्चा जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, कुछ इसी बेसिस पे रिजर्वेशन, इसी कुछ फंडे पे रिजर्वेशन भी बेस्ड है, ध्यान दीजिए। खैर, नेक्स्ट चीज आएगी, ऑल की पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एंड दोज विच वर वेल पेड वर ऑक्यूपाइड बाय यूरोपियंस। ठीक है, चाहे भारतीयों को सिविल सर्विसेज में आने का मौका दिया गया हो, लेकिन भारतीय ज्यादा से ज्यादा सदर अमीन से ऊपर नहीं बन सकते। यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, प्रोविंशियल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नहीं बन सकते थे। ठीक है, सदर अमीन तक ही मोस्टली जो है वो भारतीय पहुंच पाते थे। ठीक है, उसके बाद स्लो प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन अकर्ड आफ्टर 1918 आफ्टर नेशनलिस्ट अंडर नेशनलिस्ट प्रेशर इंपॉर्टेंट एंड सीनियर पोजिशन कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड बाई यूरोपियंस, ऑब्वियसली। और लास्ट पॉइंट है, द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज कंटिन्यूड टू सर्व द इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मैटर्स। जो जो भारतीय अगर पेपर वेपर दे के बन भी जाए आईसीएस, यानी आईएएस वाईएएस बन भी जाए वो, बट स्टिल वो किसका लॉयलिस्ट बन के रहेगा? अंग्रेजों का। क्योंकि अगर वो अंग्रेजों के कथन पे नहीं मतलब कार्य करेगा, तो उसको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वो अंग्रेजों का साथ देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक लॉयलिस्ट वर्ग डेवलप हुआ, इससे और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट भारत में। अब हम देखते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आइए अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन 1770 द इंस्टीट्यूशन ऑफ फौजदार एंड आमिल्स वर अबॉलिश्ड। किसके द्वारा? वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा। ठीक है, और ये फौजदारी और आमिल जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किस काम के लिए थे? ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे। किसके द्वारा अबॉलिश किए गए? वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हाउएवर इन 1774 वॉरन हेस्टिंग रिस्टोर्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फौजदार एंड आज द जमींदार्स टू असिस्ट देम इन सप्रेशन ऑफ डेकॉइट्स वायलेंस एंड डिसऑर्डर। फौजदारी वापस जो है वो स्थापित कर दी गई वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा 1774 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच है। ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच क्या बोलती है? कि भारतीयों को ही इंप्लीमेंट किया जाए, या भारतीय संस्कृति जो है वो उसके साथ, या भारतीय तौर तरीकों के साथ जोड़े रखा जाए भारतीयों को, ताकि हम उस चीज का इस्तेमाल कर सकें, अंग्रेज उस चीज का इस्तेमाल कर सकें भारतीयों के ही खिलाफ। ठीक है, नाउ 1791 में कॉर्नवालिस ने जो है वो नया चेंज लाया। देखिए क्या है, ऑर्गेनाइज द रेगुलर पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बाय गोइंग बैक टू
by going back to and modernizing the old Indian system of thanas, that means circle, in a district under a daroga, an Indian, and a superintendent of police SP at the head of a district, he relieved the zamindar of their police duties. Medieval period mein kotwal, zamindar, amil, ye sab vyakti jo hai wo revenue ikhatta karte the. राइट कोतवाल जो शहरों में, वो शहरों में लॉज और लॉ एंड ऑर्डर बना के रखने का काम था. लेकिन जैसे कि हमने, मैंने आपको बताया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मैंने आपको समझाया था दिल्ली सल्तनत का, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह आमिल जो है वो क्या काम करते हैं, चौधरियों का क्या काम होता है, रेवेन्यू इकट्ठा करने का. रेवेन्यू इकट्ठा करने के साथ साथ उनके पास आज़ादी होती थी कि वो अपने लिए गार्ड्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो कुछ हद तक वो कंट्रोल में भी रखते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था, पुलिस का काम भी वो करते थे. ठीक है, अदरवाइज उसके अलावा प्रॉपर एक पोस्ट हुआ करती थी फौजदार, जो कि पुलिस ही था सल्तनत या मुगल सल्तनत काल का. ठीक है, लेकिन लेकिन अंग्रेजों को अब जो है वो प्रॉपर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है 1773 के बाद, वो एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों ने अपना डेवलप किया. ठीक है, तो पुलिस के लिए 1791 में कॉर्नवालिस ने, तो हमने देखा सिविल सर्विसेज के लिए भी कॉर्नवालिस ने किया और पुलिस के लिए भी कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहला इनिशिएटिव लिया, जब उसने इंडियन सिस्टम के, भारतीय सिस्टम जो था थानों का, उसको ही उसने अंग्रेजी में सर्कल में डेवलप किया और वहां पर उसने थानेदार जो है वो अपॉइंट किए, जो कि एक भारतीय ही था, उस थानेदार को टर्म मिली दारोगा. ठीक है, और उन दारोगों के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी था, जो एसपी कौन होगा, अंग्रेज. राइट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी कौन है, अंग्रेज, और नीचे जो डिस्ट्रिक्ट से नीचे जो सबोर्डिनेट लेवल्स हैं वहां पर कौन है, थानों में दारोगा अपॉइंटेड है. तो ये किसने किया, कॉर्नवालिस ने 1791 में. उसके बाद 1808 में लॉर्ड मेयो, ये कौन है, गवर्नर जनरल है ये, अपॉइंटेड एन एसपी फॉर ईच डिवीजन हेल्प बाय अ नंबर ऑफ स्पाइज. ठीक है, बट दीज स्पाइज कमिटेड डेप्रेडेशंस ऑन द लोकल पीपल. ठीक है, तो एसपी की अपॉइंटमेंट कहां पर, डिविजनल लेवल पर किसने करी, 1808 में हो, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, 1791 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, दारोगा, सर्कल में दारोगा और एसपी की स्थापना कॉर्नवालिस, 1808 में डिवीजन में एसपी की स्थापना मेयो. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1814 बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ दारोगाज एंड देयर सबोर्डिनेट्स वाज अबॉलिश्ड इन ऑल पोजीशंस ऑफ कंपनी एक्सेप्ट इन बंगाल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दारोगाज को अपॉइंट करने का काम किसने किया, कॉर्नवालिस ने, और दारोगाज को हटाने का काम किसने किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. अब यहां पर मैंने आपको बताना है 1773 से 1813 तक एक अलग तरीके की लहर चली थी भारत में, जो कि क्या थी, एक ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच थी. उसके बाद एंजेलिस्टिक अप्रोच रही. ठीक है, जो एंजेलिस्टिक है उनका दबदबा बना रहा, या अगर मैं उल्टा बोलूं तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका दबदबा बना किसके बाद, 1813 के बाद भारत में. ठीक है, सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पहले के फैसले थे उनको ऑब्वियसली बदलने का जो है वो काम शुरू किया, और पुलिस सर्विसेज भी उससे वंचित नहीं रही. जो दारोगाओं की अपॉइंटमेंट की जा रही थी सबोर्डिनेट लेवल्स पर, या दारोगाओं के जो अन्य सबोर्डिनेट थे जो भारतीय मूल के थे, उनको हटाकर उनकी पोस्ट जो है वो खत्म कर दी गई और उसकी जगह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंग्रेजों का एस्टेब्लिश हुआ. नेक्स्ट बेंटिक देखिए, बेंटिक गवर्नर जनरल रहे 1828 से 1835, अबॉलिश द ऑफिसेज ऑफ एसपी. बेंटिक ने एसपी का ऑफिस जो है वो अबॉलिश किया. उसके अलावा द कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट वॉज नाउ टू हेड द पुलिस फोर्स इन हिज ज्यूरिडिक्शन एंड द कमिश्नर इन ईच डिविजन वॉज टू एक्ट एज एसपी. दैट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट है, उसी को ही अब किसकी तरह काम करना है, पुलिस अधिकारी की तरह, पुलिस अधीक्षक की तरह भी काम करना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशियल फैसला आप कह सकते हैं. क्यों, क्योंकि इसके बाद काफी डिग्रेड हो गया पुलिस का मामला. क्यों, क्योंकि दोनों पोस्ट संभालना बहुत मुश्किल और महंगा पड़ा सिविल सर्वेंट्स के लिए, और वो ठीक से ये काम नहीं निभा पाए. ठीक है,
सो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, दिस अरेंजमेंट रिजल्टेड इन बैडली ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स पुटिंग अ हैवी बर्डन ऑन कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजिडेंसी टाउन्स वर द फर्स्ट टू हैव द ड्यूटीज ऑफ कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट सेपरेटेड। कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटीज पुलिस की ड्यूटी से अलग हुई कहां पर? सबसे पहले प्रेजिडेंसीज में, ठीक है, यानी कि बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास, फिर उसके बाद अन्य छोटे शहरों में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस कमीशन 1860 लेड टू द इंडियन पुलिस एक्ट 1861। और इंडियन पुलिस एक्ट में क्या क्या लिखी हुई थे प्रोविजंस, उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अ सिस्टम ऑफ सिविल कॉन्स्टेबलरी, क्या मतलब है, मेंटेनिंग द विलेज सेटअप इन द प्रेजेंट फॉर्म, अ विलेज वॉचमैन मेंटेन्ड बाय द विलेज बट इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेबलरी, ठीक है। सो जो कॉन्स्टेबल्स हैं ब्रिटिश पुलिस के, वो अब गांव गांव में तो जा नहीं सकते ना, ठीक है, पहरा देने। गांव की व्यवस्था क्या होती थी, हर गांव में रात को लोग पहरा लगाते थे, ठीक है, ताकि डकैतों से अवेयर कर सके, क्योंकि रात को डकैती होती थी बहुत गांवों में, तो डकैतों से बचाने के लिए गांव गांव में पहरे लगाते थे लोग, ठीक है। अब वो पहरा लगा, अगर गांव में लोग पहरा लगाते हैं, ये मेडाइवल पीरियड की एक पुलिस व्यवस्था थी विलेज लेवल पर, लेकिन वो फिर खत्म कर दी गई अंग्रेजों द्वारा, बट उसको फिर से स्टार्ट किया गया सिविल कॉन्स्टेबलरी के रूप में, किसके बाद, 1861 के बाद। क्यों? क्योंकि जो विलेज लेवल है वहां पर अगर अंग्रेज अपना कांस्टेबल भेजेंगे तो लोग उसको पीट देंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे या डकैती आके उसको पीट जाएंगे, राइट। सो दैट मींस जो विलेज लेवल है वहां पर लोग विलेजर्स ही होने चाहिए, ठीक है, वो तभी एफिशिएंटली काम कर सकता है। इसलिए विलेज लेवल पर सिविल कॉन्स्टेबलरी जो है वो एस्टेब्लिश की गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्टर जनरल एज द हेड ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस पे इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी, जो कि प्रेजेंट डे भी सिनोनिमस है पोस्ट, और उसके बाद डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एज द हेड इन रेंज, एक रेंज में डीआईजी, ठीक है, और एसपी जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड। तो ये आईजी, डीआईजी और एसपी की जो पोस्ट है ये आज भी मौजूद है पुलिस सर्विसेज में भारत की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द पुलिस वॉज ऑल्सो यूज टू सप्रेस द नेशनल मूवमेंट, पुलिस का नेशनल मूवमेंट का सप्रेस करने में यूज हुआ, बिल्कुल हुआ। ब्रिटिश ने ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज की स्थापना नहीं की, जैसे कि आज के डेट में हमारे पास आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, तब भी इंपीरियल पुलिस सर्विसेज थी, बट इट वाज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आज ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, इस तरह ऑल इंडिया सर्विस नहीं थी। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो भारतीयों ने बनाया बाद में, अंग्रेजों ने एक ऑल इंडिया पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट नहीं करी थी। प्रोविंशियल लेवल पर पुलिस हुआ करती थी, ऑल इंडिया लेवल पर पुलिस जो है वो मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट देखिएगा, द पुलिस एक्ट 1861 प्रेजेंटेड द गाइडलाइंस फॉर अ पुलिस सेटअप इन द प्रोविंस, द रैंक्स वर यूनिफॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड, यस नाउ, लेकिन जो रैंक है ना, एसपी होगा, आईजी होगा, डीआईजी होगा, ये सारी रैंक्स जो है वो पूरे भारत में यूनिफॉर्मली फैले। 1902 द पुलिस कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीआईडी यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इन प्रोविंस एंड सीबीआई या सीआईबी एट द सेंटर, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको भारत में प्रेजेंटली जिसको हम सीबीआई कहते हैं, वो सेंट्रल लेवल पर मौजूद है, और राज्यों में क्या होते हैं, सीआईए होता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं, नॉट इंटेलिजेंस, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। सीआईडी, सीआईए जो है वो राज्य लेवल पर होते हैं, और सेंट्रल लेवल पर कौन है, सीबीआई मौजूद है। ये कब था, अंग्रेजों ने भी एस्टेब्लिश किया था यही सिस्टम 1902 में, कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट में भारत में, हमने देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया, जुडिशरी कैसे डेवलप हुई है भारत में, देखिए। सबसे पहला पॉइंट है रिफॉर्म्स अंडर वॉरन हेस्टिंग्स, वॉरन हेस्टिंग्स के अंडर क्या रिफॉर्म आए, सो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत वर एस्टेब्लिश्ड इन डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई सिविल डिस्प्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत किसके टाइम में एस्टेब्लिश हुई, तो आप बोलेंगे वॉरन हेस्टिंग्स।
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो है वो बंगाल के क्षेत्र में धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग कर रहा था, अभी कर रहे थे अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत है ये मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में बनी होंगी, ठीक है। उसके अलावा मद्रास और बॉम्बे भी उनकी पकड़ है, लेकिन मुख्यतः बंगाल। अब दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल कोर्ट, राइट। सो दैट मींस जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, बिजनेस है, जमीन से रिलेटेड मामले हैं, इन सब को लेकर अगर कोई भी पंगा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, वो कब सब कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में। किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखिएगा, दीज अदालत्स वर प्लेस्ड अंडर द कलेक्टर एंड हैड हिंदू लॉ एप्लीकेबल फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम लॉ फॉर मुस्लिम, राइट। ये कलेक्टर के अंडर थे और कलेक्टर के अंडर रहते रहते हिंदुओं पे जो है वो हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अप्लाई था, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी लॉ के सब्जुगेशन में नहीं थे हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत ले टू द सदर दीवानी अदालत विच फंक्शनड अंडर अ प्रेसिडेंट एंड टू मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल, ठीक है। सदर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत से ऊपर कौन है? बेसिकली सदर दीवानी अदालत है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। अब जो दीवानी और फौजदारी, ये दो फारसी टर्म है। दीवानी का मतलब होता है जो सिविल मामला होगा, राइट, जो रेवेन्यू से रिलेटेड, और फौजदारी यानी जो क्रिमिनल मामला हो गया। सो फौजदारी अदालत है वो क्रिमिनल मामले के लिए होगी। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वर सेट अप टू ट्राई क्रिमिनल डिस्प्यूट्स एंड वर प्लेस्ड अंडर अ इंडियन ऑफिसर असिस्टेड बाय काजी एंड मुफ्तीस, ठीक है। जो क्रिमिनल डिस्प्यूट है वो काजी और मुफ्तीस संभाल रहे हैं, उसके अलावा जो रेवेन्यू डिस्प्यूट है वो कौन संभाल रहा है? एक कलेक्टर। नेक्स्ट चीज देखिएगा, दीज अदालत ऑल्सो वर अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर, ठीक है। ये जो फौजदारी अदालत है अल्टीमेटली ये किसके सुपरविजन में है? कलेक्टर के सुपरविजन में है। मुस्लिम लॉ वॉज एडमिनिस्टर्ड इन फौजदारी अदालत, ठीक है। अब इसका यहां पर लिखा है मुस्लिम लॉ इज एडमिनिस्टर्ड इन फौजदारी अदालत, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत उस समय में हिंदुओं के ऊपर हिंदू लॉ और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ, जैसा कि मेडाइवल पीरियड में राजपूत काल में, मेडाइवल पीरियड में भी था, राजपूत काल में था, या उसके अलावा दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल पीरियड की बात करें, हर जगह जो है वो हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम्स पे ट्राई किया जाता था जो शरीयत है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। आगे देखिए शरीयत के कानून, द अप्रूवल फॉर कैपिटल पनिशमेंट एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ले टू सदर निजामियत अदालत, ठीक है। जो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि अगर मृत्यु दंड देना हो या उम्र कैद देनी हो, यानी कि इस तरह की अगर बड़ी पनिशमेंट देनी है, तो वो सदर जो अदालत है वही दे पाएगी, ठीक है, सदर निजामियत अदालत दे पाएगी। एट मुर्शिदाबाद, ये बंगाल की बात चल रही है, एट मुर्शिदाबाद विच वॉज हेडेड बाय अ डेप्यूटी निजाम एन इंडियन मुस्लिम असिस्टेड बाय अ चीफ काजी एंड चीफ मुफ्ती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या फैसले हुए अब यहां पर अभी तक, ठीक है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, ये कब तक है? जब तक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है। अब 1773 के बाद सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश एट कैलकटा विच वॉज कंपिटेंट टू ट्राई ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स विद इन कैलकटा एंड द सबोर्डिनेट फैक्टरीज इंक्लूडिंग इंडियन एंड यूरोपियंस। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के अंदर जितनी भी अंग्रेजी या यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं उन सबको ट्राई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग इंडियंस। इट हैड ओरिजिनल एंड एपलेट ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल और एपलेट ज्यूरिडिक्शन मैंने आपको समझाया, एक बेसिक हिंट दी थी। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से हस्तक्षेप करता है किसी मामले में, और एपलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो निचली कोर्ट से कोई मामला जो है वो रिव्यू करता है, या निचली कोर्ट से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ऑफन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्लैश्ड विद दैट ऑफ अदर कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हैं अंग्रेज और अदर कोर्ट पे, जैसे कि जो निजामियत है, सदर निजामियत है, या उसके अलावा जो फौजदारी कोर्ट है, यहां पर भारतीय बैठे हैं। तो मान लीजिए कि किसी भारतीय क्रिमिनल को लीनियंट सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको एक कठोर सजा देगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, ठीक है। ये आम तौर पे होता रहता था। नेक्स्ट चीज देखिएगा, रिफॉर्म्स अंडर कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए 1786 से 93 तक, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया, ठीक है। देखिएगा क्या है, द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स वर एबॉलिश्ड,
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स जिसमें फौजदार बैठे हैं, काजी बैठे हैं, ठीक है, यानी कि एक इंडियन बैठा है, उसको अबॉलिश कर दिया गया एंड इंस्टेड सर्किट कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड एट कैलकटा, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड पटना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट कोर्ट्स किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं जिले लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो कॉर्नवालिस। सो कॉर्नवालिस के नाम पे हमने तीनों में देखा, हमने सिविल सर्विसेज में भी देखा उसके नाम कीर्ति है, उसके बाद हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा और अब जुडिशरी के लिए भी। तो कॉर्नवालिस के ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स वर एबॉलिश्ड एंड इंस्टेड सर्किट कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड एट कैलकटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। ठीक है, ये पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी की बात चल रही है, ये चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी। नाउ दीज सर्किट कोर्ट्स हैड यूरोपियन जजेस। फौजदारी कोर्ट में कौन थे जज? भारतीय थे। सर्किट कोर्ट में जज कौन है? यूरोपियन आके बैठ गए। ठीक है, यूरोपियन जजेस एंड वर टू एक्ट एज कोर्ट्स ऑफ अपील फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। पहले फौजदारी कोर्ट अलग होती थी और दीवानी कोर्ट अलग होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दी है, वही क्रिमिनल मामला भी देख रही है और वही सिविल मामला भी देख रही है। ठीक है, और जज कौन है? यूरोपीय जज बैठा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द सदर निजामत अदालत वॉज शिफ्टेड टू कैलकटा। सदर निजामत जो है वो कैलकटा, मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट कर दी गई? कैलकटा शिफ्ट कर दी गई। मैंने आपको बताया था ना, आपको कमेंट में लिख के बताना है कि किस नवाब ने, बंगाल के नवाब ने कैपिटल मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर शिफ्ट की। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, सदर निजामियत अदालत वॉज शिफ्टेड टू कैलकटा एंड वॉज पुट अंडर गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ सुप्रीम काउंसिल असिस्टेड बाय चीफ काजी एंड चीफ मुफ्ती। ठीक है, अभी देख रहे हैं आप जो ओरिएंटलिस्ट हैं, ठीक है, अभी ओरिएंटलिस्ट अप्रोच जो है वो स्ट्रांग है, भारतीयों को लेकर चल रहे हैं साथ में ये। क्यों? क्योंकि भारतीयों को भारतीयों से लड़ाना है ना आपस में, तो कुछ भारतीयों को तो आपको अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी तक अंग्रेजों की ये पॉलिसी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम काउंसिल असिस्टेड बाय चीफ काजी और चीफ मुफ्ती। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द डिस्ट्रिक्ट दीवान अदालत वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज द डिस्ट्रिक्ट सिटी और द जिला कोर्ट एंड प्लेस अंडर अ डिस्ट्रिक्ट जज। वही मैंने आपको बोला ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फौजदारी और दीवानी अदालत है, उन दोनों को डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर लेके आए वो, और वो डिस्ट्रिक्ट जज क्या होगा, कौन होगा? एक यूरोपीय होगा, जहां पर पहले भारतीय बैठते थे। उसके बाद द कलेक्टर वॉज नाउ रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन विद नो मैजिस्टरियल फंक्शन। ठीक है, कलेक्टर का काम क्या है? केवल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैजिस्ट्रेट की तरह यानी एक जज की तरह काम नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अ ग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें पॉइंट देखिएगा, मुफ्ती इज कोर्ट अंडर इंडियन ऑफिसर, नॉट मुफ्ती बट मुनसिफ्स कोर्ट अंडर इंडियन ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार्स कोर्ट अंडर अ यूरोपियन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट जज, फोर सर्किट कोर्ट्स एज प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील, सदर दीवानी अदालत एट कैलकटा एंड किंग इन काउंसिल फॉर अपील्स ऑफ 5,000 pounds एंड अबव। तो ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेजुअल क्या है, आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग लेवल है कोर्ट्स के। ठीक है, सो मुनसिफ कोर्ट्स अंडर इंडियन ऑफिसर, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है ना, मुनसिफ लेवल पर, यानी कि एक बहुत छोटे लेवल पर कोर्ट जो है वो भारतीयों के अंडर है, रजिस्ट्रार यूरोपियन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज, सर्किट कोर्ट में भी जो है वो यूरोपीय अफसर बैठ रहा है। ठीक है, सदर दीवानी अदालत कैलकटा में है, उसमें जो है वो चीफ मुफ्ती और चीफ काजी है, उसके अलावा किंग इन काउंसिल है, 5,000 pounds से ऊपर के जो मामले हैं वो वहां जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, कॉर्नवालिस कोड जो है वो क्या है एंड उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देयर वाज अ सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि सिविल और क्रिमिनल मामलों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया है रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को अलग, या सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए जो है वो अलग अलग निर्धारित किए उन्होंने कि कौन जज क्या फैसला लेगा।
तो ये कॉर्नवालिस का काम है। सेकंड पॉइंट, यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर आल्सो ब्रॉट अंडर ज्यूरिडिक्शन। यूरोपियंस को भी जो है वो उन पे भी अब कोर्ट ट्राई करना शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आंसरेबल टू सिविल कोर्ट्स फॉर एक्शंस डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कुछ भी कर रहा है तो उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती थी, अब उसको कोर्ट में घसीटा जा सकता था। नेक्स्ट चीज, द प्रिंसिपल ऑफ सोवेरनिटी ऑफ लॉज लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, सोवेरनिटी ऑफ लॉ, कि कानून जो है वो सबसे प्राथमिकता जो है वो कानून की रहेगी। नेक्स्ट चीज, विलियम बेंटिक के अंदर रिफॉर्म्स क्या हुए वो देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस के कोड 3-4 पॉइंट है, इस पर डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल बनता है। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले देखिए कि सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा यूरोपियंस वर ब्रॉट अंडर द ज्यूरिडिक्शन, गवर्नमेंट ऑफिशियल पर जो है वो ट्रायल हो सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ सोवेरनिटी ऑफ लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो जैसे जैसे ये लाइन्स लिखी है ना, डायरेक्टली इसी इन्हीं शब्दों का यूज करते हुए एग्जामिनेशन में पॉइंट बन जाता है। ठीक है, सवाल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फोर विलियम बेंटिक के लिए द फोर सर्किट कोर्ट्स वर एबॉलिश्ड एंड देयर फंक्शंस ट्रांसफर टू कलेक्टर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। तो मैंने आपको बताया ना, यहां पर विलियम बेंटिक ने क्या किया, जो दोनों पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक किसके हाथ में दे दिया, कलेक्टर के हाथ में, जिससे कलेक्टर के जो है वो हैंडफुल हो गए और कलेक्टर ठीक से जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सका। ठीक है, सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत वर सेट अप एट अलाहाबाद फॉर कन्वीनियंस ऑफ पीपल ऑफ अपर प्रोविंस। अपर प्रोविंस क्या है, अपर प्रोविंस जो है वो दिल्ली द्वाब से लगता हुआ एरिया अपर प्रोविंस कहलाता था। तो सदर दीवानी अदालत कहां पर बनी, सदर दीवानी और सदर निजामत जो कि पहले बंगाल में थी वो अब ईस्ट वेस्टर्न साइड यानी कि वेस्टर्न यूपी की तरफ एस्टेब्लिश होने लगी, तो अलाहाबाद में बनाई गई। उसके बाद टिल नाउ पर्शियन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट्स, अभी तक पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज है, 1835 के बाद हटेगी। नाउ द सूटर, सूटर का मतलब जो केस कर रहा है, राइट, हैड द ऑप्शन टू यूज पर्शियन और अ वर्नैक्युलर लैंग्वेज व्हाइल इन सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज रिप्लेस्ड पर्शियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में 1833 के चार्टर के बाद, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया पर जो है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, दैट मींस भाषा वो कौन सी आने लगी, अंग्रेजी, तो सुप्रीम कोर्ट में आ गई अंग्रेजी, और बाकी प्रोविंशियल लेवल पर जो कोर्ट हैं वहां पर अभी भी वर्नैक्युलर या पर्शियन भाषा में आप जो है वो प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद 1833 में देखते हैं, अ लॉ कमीशन वॉज सेट अप अंडर मकॉले फॉर कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, एज अ रिजल्ट अ सिविल प्रोसीजर कोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिविल प्रोसीजर कोड 1859, इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861। ठीक है, ये किसकी वजह से बने, ये बने लॉर्ड मैकॉले की, जो लॉर्ड मैकॉले ने जो पहल करी है भारत में कानून बनाने की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, ये आफ्टर चार्टर एक्ट 1833 जो लॉ मेंबर ऐड हुआ है, चौथा लॉ मेंबर जो ऐड हुआ है उसकी वजह से ये बने हैं तीनों के तीनों। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसके बाद की लेटर डेवलपमेंट्स क्या क्या हैं। 1860 में इट वॉज प्रोवाइडेड दैट यूरोपियंस कैन क्लेम नो स्पेशल प्रिविलेजेस एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस एंड नो जज ऑफ एन इंडियन ओरिजिन कुड ट्राई देम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्स्पिरेसी में आपको बताऊंगा क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है, ये नॉट कॉन्स्पिरेसी बट कॉन्ट्रोवर्सी है एक। ठीक है, उसके बाद 1865 में द सुप्रीम कोर्ट एंड द सदर अदालत वर मर्ज्ड इनटू थ्री हाई कोर्ट्स एट कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत जो है वो उनकी जगह तीन हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो है ही लेकिन तीन हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा बोझ हटा। पहले अगर बॉम्बे में कोई मामला है £5,000 से ऊपर तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाता था। ठीक है, उसके अलावा मद्रास में कोई मामला है, कोई बड़ा मामला होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाता था। अब हाई कोर्ट जो है वो बॉम्बे और मद्रास में भी एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, यहां पर जिस कॉन्ट्रोवर्सी की मैं बात कर रहा हूं
उस कंट्रोवर्सी का आप जो है वो कमेंट में बताएंगे कि कौन सी कंट्रोवर्सी है वो, ठीक है, जिसकी वजह से भारतीयों को रोक दिया गया कि वो भारतीय जो है वो अंग्रेजों पर जजमेंट नहीं दे सकते, कमेंट में बताइएगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा ही मैं। 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल कोर्ट सेटअप इन 1937 विच कुड सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड कुड हियर लिमिटेड अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट्स। तो फेडरल कोर्ट, मैंने आपको बताया ना 1935 का एक्ट जो है वो आपके फेडरल नेचर का था, राइट, दैट मींस भारत में फेडरल नेचर जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई उसके माध्यम से। अब देखते हैं भारत के जुडिशरी सिस्टम का इवेल्यूशन, इवेल्यूएशन करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशरी अंडर ब्रिटिश रूल क्या है कि सबसे पहली चीज द रूल ऑफ लॉ वॉज एस्टेब्लिश। सबसे पहली चीज क्या आई, मैंने बोला ना अंग्रेजों ने भारत को पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दिया, केवल पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नहीं दिया, उसके अलावा उन्होंने भारत में एक यूनिफाइड जो है वो कानून व्यवस्था स्थापित करी और कानून की ज्यूरिडिक्शन में सबको लेकर आया गया। पहले क्या था, जो राज परिवार हैं, जो पुरोहित हैं, वो कानून की पकड़ से बाहर थे, अब सब कानून के अंदर हैं, राइट। अब अगर एक वॉरंट, अगर वॉइसरॉय है वो भी किसी एक कानून के तहत काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी कानून के तहत काम कर रहा है, तो ये रूल ऑफ लॉ वाला जो फंडा है ये अंग्रेजों ने एक यूनिफाइड तौर पे भारत पे एस्टेब्लिश किया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, द कोडिफाइड लॉज रिप्लेस द रिलीजियस एंड पर्सनल लॉज ऑफ द रूलर्स। अब मैंने आपको बताया था ना कि अंग्रेज जो कोडिफाइड लॉ लेकर आए हैं और मेडाइवल पीरियड और उससे पहले एंशियंट पीरियड में भी जो रिलीजियस पार्ट होता था, जो रिलीजियस पार्ट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या बनाते थे, कानून बनाते थे। अगर मेडाइवल की बात मैं करूं तो जो मुख्य कोर्ट हैं, किस किस की हैं, जितनी भी पर्शियन कोर्ट्स हैं उन सब में शरिया का कानून चल रहा है, ठीक है, और जो राजपूतों की कोर्ट्स हैं वहां पर चल रही है मनुस्मृति, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर क्या हो रहा है कि जो रिलीजियस जो मतलब सेक्ट है या जो रिलीजियस हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेशन का वो लॉ मेकिंग पर डोमिनेशन कर रहा है, लेकिन अब उसकी जगह एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए, और वो जो नई धारणा है प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की वो आई अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट चीज, इवन यूरोपियन सब्जेक्ट्स वर ब्रॉट अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑल्दो इन क्रिमिनल केसेस दे कुड बी ट्राइड बाई यूरोपियन जजेस ओनली, ठीक है, क्रिमिनल केसेस पे केवल अंग्रेजों पे केवल अंग्रेज जज जो है वो फैसला देगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर मेड आंसरेबल टू सिविल कोर्ट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो है वो अब पूछा जा सकता था कि हाँ भाई कैसे पैसा खा रहे हैं आप इतना ज्यादा, राइट, जो कि आज भी हो रहा है, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। उससे पहले जो है वो मेडाइवल पीरियड में बहुत मुश्किल था वैसा करना, लेकिन बलबन अलाउद्दीन खिलजी जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर रहे या उसके अलावा राजपूत शासक भी कुछ ऐसे रहे जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उन्होंने अपने अफसरों को चोरी नहीं करने दी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, जुडिशियल सिस्टम बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव, द रिच कुड मैनिपुलेट द सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जो है वो उसमें बहुत सारे लूप होल्स बनने लगे, रिच अगर आप, पैसा है अगर आपके पास तो आप बहुत आसानी से कानून को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में जो है वो जजमेंट ले सकते हैं। खासकर ये जो ज्यूरी सिस्टम है, ज्यूरी सिस्टम लाए थे अंग्रेज अपने साथ, ये बहुत ज्यादा जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता था ज्यूरीज को बहुत आसानी से अगर आपके पास पैसा शक्ति और इन्फ्लुएंस है तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, There was ample scope for false evidence, deceit and chicanery. So basically बात यह है कि टेक्नोलॉजी के अभाव में कोई भी जो है वो गवाही देने आ जाएगा, लोग रोके दिखा देंगे कोर्ट में और गवाही दे देंगे, फॉल्स एविडेंस पेश किए जा सकते हैं पुलिस को मैनिपुलेट करके, राइट, जजेस को, वकीलों को मैनिपुलेट करके, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जुडिशरी में करप्शन था, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजिकल हिंडरेंस की वजह से पॉसिबल हो सका, क्योंकि आज भी आप कर सकते हैं या करते हैं, राइट, करप्शन बहुत लोग करते हैं किसमें, जुडिशरी में, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट इतना ज़्यादा है। मान लीजिए आज के डेट में कोई अगर व्यक्ति झूठ बोले कि गवाही दे, राइट, और दूसरे व्यक्ति ने अगर रिकॉर्ड कर रखा हो उसको कि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, सो दैट मीन्स वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो काफ़ी हद तक असर डालती हैं जजमेंट पे, राइट। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस की वजह से आज जो है वो इस तरह की कोई अनएथिकल हरकत करना मुश्किल हो गया, बट उस समय में ये बहुत धड़ल्ले से किया जाता था।
नेक्स्ट इज ड्रैग्ड आउट लिटिगेशन मेंट डिलेड जस्टिस। ठीक है, अब यहां पर लोग जो हैं वो कतराते थे, क्यों? क्योंकि केस जो है वो कई कई सालों चल रहे हैं। आज भी ऐसा ही हाल है, कुछ अलग नहीं है, हम देखते हैं। उसके अलावा कोर्ट्स बिकम ओवरबर्डन्ड एज लिटिगेशन इंक्रीज। आज जैसे लाखों केस है, हर कोर्ट के पास कई कई लाख में केस है, राइट, बड़ी बड़ी कोर्ट्स के पास। सो दैट मीन्स कि बोझ बढ़ गया कोर्ट्स में बहुत ज्यादा। ऑफन द यूरोपियन जजेस वर नॉट फेमिलियर विद द इंडियन यूसेज एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो यूरोपियन जजेस हैं वो अपने अंग्रेजी तौर तरीकों के हिसाब से जो है वो फैसला दे देते थे और भारतीयों के लिए वो समस्या बन जाता था। तो भारतीय तौर तरीके से जो है वो परिचित नहीं थे बहुत सारे यूरोपीय जज, इससे भारतीयों को खामियाजा उठाना पड़ता था। ठीक है, दीज वर द लिमिटेशंस। सो आज हमने समझने की कोशिश करी, आज बहुत सारे फैक्ट्स उठाए हमने, आज के सेशन में हमने फैक्ट उठाए बहुत सारे, सिविल सर्विसेज, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी की जो डेवलपमेंट हुई है कॉलोनियल पीरियड में। अब यही तीनों चीजें हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़नी है, यही तीनों चीजें हमने मेडाइवल, अर्ली मेडाइवल और एंशंट की भी पढ़नी है। सिविल सर्विसेज वहां पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, जुडिशरी कैसे चलती थी, ये तीन चीजें हैं, ये हर एक फेज की हमें पढ़नी है। और इनके जो अधिकारी हैं उनके नाम जानना है हमें। मेडिवल और एंशंट से सवाल क्या बनता है, उन अधिकारियों के नाम बन जाते हैं ना। बहुत जो है वो ट्रेंड चल रहा है ये पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे स्टेट है चाहे यूनियन है या अन्य एग्जामिनेशंस में भी, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनका नाम पूछा जाना या जो अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका नाम पूछा जाना। तो ये चीज़ हम मेडाइवल और एंशंट में भी ध्यान देते हुए चलेंगे ही, लेकिन आज हमने कॉलोनियल पीरियड के बारे में समझा, किसने किस हमने समझा कि किस गवर्नर जनरल या किस वॉइसरॉय ने क्या क्या जो है वो एक्ट किए हैं और कैसे कैसे डेवलप हुआ पुलिस सिस्टम और जो सिविल सर्विसेज हैं या जुडिशरी सिस्टम कैसे भारत में डेवलप हुआ। सो आज के सेशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। आगे आने वाले सेशन में हम आगे बढ़ाएंगे इन्हीं टॉपिक्स को। ठीक है, अंत में मैं बोलना चाहूँगा सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए कि अगर वो चाहते हैं एक थॉरो तरीके से प्रिपेयर करना, तो स्टडी आई क्यू उनके लिए लेकर आया एक लर्निंग एप्लीकेशन जिसको वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर टैप कीजिएगा, आप इंस्टॉल कीजिए उस एप्लीकेशन को, गो थ्रू दैट एप्लीकेशन। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सीएससी से जुड़ी हुई 1000+ वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके अलावा रोज का करंट अफेयर, डेली के क्विजेज हो रहे हैं, डेली के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, डेली की डाउट सॉल्विंग हो रही है, आपको कोई भी कमी वहां पर महसूस नहीं होगी। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। सो हैविंग सेड दैट, आज के सेशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।